पुष्पा भाव झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं तो मरेगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ खराब थोड़ी हुआ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स खराब हो गए। हमको जबरदस्ती मुसलमान बना देंगे। तुम गलत चीजों के पीछे भाग रहे हो। भागना है जाति धर्म क्षेत्र, ये भिखमंगों के लक्षण है। अकबर अपने महल में हिंदू औरतों को कपड़े नहीं पहनने देता था, और अकबर को एक ही लॉबी से डर लगता था, राजपूतों से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पुष्पा भाऊ की तरह है। पुष्पा भाऊ झुकेगा नहीं, पुष्पा भाऊ झुकेगा नहीं तो झुकेगा नहीं तो मरेगा। जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास दो चीजें होती हैं। एक अहंकार बहुत हाई लेवल का होता है, और एक इज्जत। जैसे रिक्शा वाले से अगर पूछो कि तुम्हारे पास क्या है, कहेगा भैया पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत है। देखा तुम्हारी जिंदगी में कुछ खराब थोड़ी हुआ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स खराब हो गए बस, और कुछ नहीं हुआ। तुम गलत चीजों के पीछे भाग रहे हो। भागना है लेकिन तुम गलत चीजों के पीछे भाग रहे हो। सोचना है लेकिन तुम गलत चीजें सोच रहे हो। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। एक दिन पूरे देश पे वो कब्जा कर लेंगे, हमको जबरदस्ती मुसलमान बना देंगे। फर्जी। तुम इतने अंधे हो कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता कि इजराइल। जनसंख्या से अगर ताकत होती तो बकरी, हिरन, कुत्ता, सुअर, ये सब जंगल के राजा होते। उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो। ब्राह्मणों ने हम लोगों को बहुत सताया मध्यकाल में। खोलता हुआ शीशा डाल देते थे। अच्छा, कहाँ लिखा है? नहीं, बबलू भैया बता रहे थे। और एक दोस्त है, टीचर है, दुर्भाग्य से। उनसे कहा, और अकबर जो है अवध ओझा, तुम इतना मुसलमान करते हो, तुमने इतिहास पढ़ा नहीं कायदे से। नहीं, मैंने बहुत तो नहीं पढ़ा, ये तो मैं भी मानता हूं। अरे, तुमने कायदे से पढ़ा नहीं है। अकबर अपने महल में हिंदू औरतों को कपड़े नहीं पहनने देता था। तुम्हारे पापा खड़े होकर देखते थे। ये इंफॉर्मेशन तुमको कौन दिया? नहीं, अरे हमको पता है। नहीं तो कैसे? तुम मंत्र दृष्टा हो, आंख बंद करे तुमको दिखाई पड़ रहा था। संजय हो तुम महाभारत के। मानसिंह अकबर के साथ थे, पूरी राजपूत लॉबी अकबर के साथ थी, वो बर्दाश्त कर लेती। और अकबर को एक ही लॉबी से डर लगता था, राजपूतों से। जब हरका भाई से शादी हुई और हरका भाई को राजपूत छोड़ने आए आगरा, तो हिंदू समाज में दामाद का कितना वैल्यू है। आपके समाज में दामाद की बड़ी वैल्यू है। आपके घर में अगर बड़ी बहन अगर है, उनकी शादी हो गई, तो आपको पता होगा कि अगर जीजा जी ने रात में 2:30 बजे कह दिया कि आइसक्रीम खाना है, तो अम्मा रात में तुमसे कहेगा किसी की दुकान खुलवा देंगी कि बहुत कहते हो इतना रिलेशन, एक डिब्बा ले आओ। तो जब राजपूत छोड़ने आए आगरा, तो एक हाथी पागल हो गया, तो जाके उसके सामने खड़े हो गए। अकबर ने देखा, अरे बाप रे, तो बहुत डेंजरस कॉम है यार। और अकबर और हरका भाई की शादी हिंदू मुसलमान की शादी नहीं है, वो राजाओं की शादी है।
जाति धर्म क्षेत्र ये भिखमंगों के लक्षण है। राजा कहां बिलीव करता है इन सब चीजों में? अगर बिलीव कर ले तो राजा बन ही ना पाए।